शलाकया चुनितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विना अपराध लक्षे चिंताश कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टसर श्री सिद्ध महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे परम गुरुदेव जय मिथिलापुर विष्णु विष्णुपाद अष्टोदश श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। जय मिथिला विष्णु विष्णुपाद अष्टोदश ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री कृपा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे भी अहित की कृपा की वांछा करता हूँ। गौड़ी वैष्णव समुदाय के इतने आचार्य सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। उसके बाद हमारे मेंटर श्रीपाद चंद्र उपाध प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। इतने भक्त हैं सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज थोड़ी कथा करोगे? आज अगली बार तो अगली बार आपको नहीं कल अगली बार क्या कल कथा करनी है। थोड़ा ओपन चर्चा कर रहे हैं ठीक है। तो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम दामोदर तो भगवान का नाम है और वो क्यों नाम है ये भी अपन कई दिन से चर्चा कर रहे हैं। अष्टकम मतलब आठ श्लोक हैं। यहाँ पर जो सद्वृत मुनि हैं वो जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो आठ श्लोक में कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे अष्टकम हैं कई सारे अष्टकम हैं बहुत जो आचार्य हैं उन्होंने राधिका अष्टकम ललिता अष्टकम षट गोस्वामी अष्टकम ऐसे अष्टकम लिखे हुए आठ आठ श्लोकों में उनकी स्तुति की है कि से प्रार्थना की है। तो उसी तरीके से यहाँ सद्वृत मुनि जो दामोदर भगवान हैं जिनका नाम दामोदर है क्योंकि उनको उनके दाम रस्सी से बांधा गया है तो उनकी जो स्थिति है वो आठ श्लोकों में की है। तो पिछले करीब 10 दिन हो गए अपन को 10 दिन से अपन डेली कुछ न कुछ जो श्लोक हैं स्टार्टिंग के उन पर चर्चा कर रहे थे। तो कल जो अपन ने चर्चा की थी वो की थी सातवां श्लोक जिसमें सद्वृत मुनि क्या कर रहे हैं संकीर्तन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। मतलब क्या कह रहे हैं? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। भगवान कौन है? अनंत है और उनका एक नाम विष्णु भी है तो उनके उसमें वो यहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं। तो आचार्य बताते हैं कि जो भगवान को पाया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है और वो क्या है?
हरिनाम संकीर्तन। और कलयुग में जो हरिनाम बताया है वो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बताया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से जब यहाँ पर सतव्रत मुनि याद कर रहे हैं नल कुबेर और मणिग्री को, इन दोनों को क्या है, दोनों धन के मद में अंधे हैं। धन का मद है और दूसरा एक पोस्ट भी मिली हुई है कि वो शिव जी के पार्षद हैं। जब दोनों चीजें मिल गई तो और ज्यादा अहंकार हो गया। तो इसीलिए यहाँ आचार्य अगर चार तरीके के मद बताते हैं, जो मद हैं वो चार तरीके के हैं। एक तो होता है रूप का मद, कोई बहुत सुंदर होता है तो उसको बहुत घमंड होता है, रूप का मद। दूसरा होता है विद्या का मद, विद्या मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्कॉलर बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसको भी अहंकार हो जाता है, घमंड आ जाता है। तीसरा बताया है उच्च कुल का मद, कि कोई बहुत बड़े कुल में है, नहीं साहब मैं तो फलाने का बेटा हूँ, बड़ा उस कुल का हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा मद है। और चौथा है धन का मद, तो यदि किसी के पास धन है और धन आ जाए तो वो भी सिर्फ और सिर्फ जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है वो उस संपत्ति को खर्च करने के लिए कोई ना कोई गलत काम ही कर रहा है। क्योंकि सही काम करने के लिए तो धन खर्च करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अपन को कथा करना है, कीर्तन करनी है, भगवान का नाम सुनना है और सुबह शाम चपाती खानी है, दाल रोटी खानी है, तो उसमें तो धन खर्च होगा ही नहीं। तो आज के टाइम पे जो धनी है, जो बहुत सारे बहुत पैसे वाले हैं, उनके जो बच्चे हैं वो क्या है, उसमें धन के मद में मत हैं और वो सारे गलत काम करते हैं। ऐसे बताया है कि जो धन है या उच्च कुल है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ऐसे कुल में और उसमें जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। और पूर्व जन्म के संस्कारों में भी एक चीज़ बताई है कि किसी जीव को उच्च कुल में जन्म क्यों मिलता है या उसको बहुत सारी विद्या क्यों मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। क्योंकि जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में बताया है कि इसमें एक ऐसी बुद्धि होती है जो इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। देखिए, यदि एक तो कोई आदमी गरीब है और एक आदमी बहुत पैसे वाला है, तो जो गरीब है उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उसको तो अपनी दो रोटी कमाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। भगवान का भजन तो बाद में भाई, पहले अपने परिवार को पालने के लिए उसके लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास धन है उसको तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, पैसे से पैसा वैसे ही कमता है। यदि किसी के पास खूब पैसा है तो वैसे ब्याज भी आती रहेगी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब उसको वो तो नहीं सोचना है, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि मुझे जो जन्म मृत्यु का चक्र है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, उसमें से कैसे निकल सकता हूँ। उसमें से सिर्फ निकलने का एक ही साधन है और वो क्या है, भगवान का हरिनाम संकीर्तन। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं सतव्रत मुनि कि हरिनाम संकीर्तन करना है अपन को। फिर उसके बाद नल कुबेर और मणिग्रीव को उन्होंने मुक्त किया है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव की अपन कथा कल थोड़ा देख रहे थे श्रीमद् भागवतम से। उसके बाद यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि जो साधु हैं, जैसे यहाँ पर जो नारद मुनि हैं, उन्होंने उनको क्या दिया है, अपन कहते हैं श्राप दिया है, श्राप दिया था ना इनको कि दोनों नग्न थे तो उनको श्राप दे दिया, भाई तुम पेड़ की योनि में चले जाओ। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं उनका आशीर्वाद और श्राप दोनों ही आशीर्वाद होते हैं, उनका आशीर्वाद भी आशीर्वाद होता है। और यदि कोई साधु किसी को श्राप दे रहा है तो वो भी आशीर्वाद ही होता है। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ क्या है कि जो नल कुबेर और मणिग्रीव हैं उनको क्या दिया नारद मुनि ने, श्राप दिया। लेकिन वो किसका काम कर रहा है, अब आशीर्वाद का काम कर रहा है। श्राप देने के बाद देखिए, एक तो जो पहले साधु होते थे, साधु की जो डेफिनेशन है, कई बार अपन ने साधु के बारे में पढ़ा भी था जब अपन माधुर कादम्बिनी को चर्चा कर रहे थे, कि साधु जो होता है वो किसी को जो श्राप देता है ना, वो वैसे क्रोध में आकर के नहीं देता है कभी भी। एक्चुअल में जो साधु होगा वो जो श्राप दे रहा है वो उसके जो सामने वाला है जिसको श्राप दे रहा है उसके भले के लिए ही देगा और उसमें उसका कुछ ना कुछ भला ही होगा। ये बिल्कुल शास्त्रविद बात है,
शास्त्रों में बिल्कुल लिखा गया है और कहा है, और ऐसे साधु की डेफिनेशन ही यही है। हाँ, यदि कोई साधु कोई गुस्से में श्राप दे रहा है जिसे सामने वाले का उद्धार नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो अपने साधुत्व को खत्म कर रहा है। इसमें सबसे पहले जब अपन भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में बताया है कि जब परीक्षित महाराज पर कलयुग का थोड़ा असर आया और वो जंगल में जब शिकार खेलने गए तो वहाँ उन्होंने बहुत प्यास लगी उसको, उनको तेज, तो एक आश्रम में गए। वो आश्रम किसका था? सरंगी तो उनके पुत्र, हाँ, जो साधु थे समी के, उनके आश्रम में गए। वो ध्यान में बैठे हुए थे और उनको क्रोध आ गया। वो तो क्या थे, वैसे भी क्षत्रिय थे और कलयुग का असर था। उन्होंने क्या किया कि भाई देखो, ये साधु उसमें बैठा हुआ है और मैं एक राजा हूँ, मेरे से इन्होंने ना तो पानी का पूछा है ना कुछ है, प्यास लग रही है, तो उनके गले में एक सांप पड़ा था, वो डाल दिया। अब जब उनको होश आया, उन साधु जो थे उनको होश आया, उससे पहले उनका जो पुत्र था श्रृंगी, उनका पुत्र था, वो छोटा ही था, उसको किसी ने, दूसरे जो ब्राह्मण पुत्र थे, उन्होंने आकर के बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता के गले में जो राजा हैं, जो परिचित महाराज हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तो उस में भी इतना ब्राह्मणत्व था कि उसने गुस्से में वहीं पर उनको श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि 7 दिन में उनको तक्षशाप ही काटेगा और उससे उनकी मृत्यु होगी। तो भागवतम में लिखा गया, इवन प्रभुपाद जी भी वहाँ पर जो तात्पर्य है उसमें लिखते हैं कि वो जो ब्राह्मण का पुत्र था, वो अपने ब्राह्मणत्व को वहाँ से ही, ब्राह्मण की जो ब्राह्मणत्व था वो खत्म होने लग गया। क्योंकि जो साधु ब्राह्मण होता है, एक्चुअल में जो ब्राह्मण होता है, वो कभी भी ऐसे क्रोध में कोई भी श्राप नहीं देता है। इवन जब उनके पिताजी को पता चला, कि मेरे पुत्र ने ऐसे श्राप दे दिया है और उसको कोई टाल नहीं सकता, तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये जो सूचना है परिचित महाराज को दी गई कि ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन परिचित महाराज को उसके बाद क्रोध नहीं आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने जो कुछ किया है गलती, इसमें भी कुछ सही है। और वो उसी टाइम पूरे राजपाट को छोड़ करके कहाँ चल दिए, गंगा के किनारे, और वहाँ पर उन्होंने पूरी भागवतम सुनी। तो वो वैसे देखा जाए तो वो जो ब्राह्मण था, जो पुत्र था, उसने श्राप दिया था, वो भी उनके एक वरदान का काम कर रहा है। उसके बाद उन्होंने पूरी भागवतम सुनी सुखदेव गोस्वामी से और वो सहशरीर ही भगवान के धाम चले गए। उसी तरीके से यहाँ पर बताया है कि जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जब वो वहाँ विहार कर रहे थे जल में, मंदाकिनी नदी में, और दोनों इस तरीके से मद में चूर थे कि उन्होंने कोई होश ही नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई साधु है या क्या है, हमको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर जब नारद मुनि आए तो उनको इस चीज का वो नहीं था क्रोध कि ये नंगे हैं या ये गलत उसमें, नहीं, उन्होंने क्या सोचा कि ये नल कुबेर, मतलब दोनों कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, दूसरा शिवजी के पार्षद भी हैं, तो अब इनका, ये अपने आप को पतन की तरफ जा रहे हैं, तो इनका उद्धार मुझे करना चाहिए। उन्होंने इस चीज को सोच करके उनको श्राप दे दिया कि भाई अब जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम पेड़ की तरीके से, इस तरीके से जो तुम्हारी क्रियाएं हैं वो पेड़ों की तरीके से, तो तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। लेकिन जब जैसे जैसे वो वृक्ष योनि में उनका जो जाने लगे, तो उन्होंने फिर उनसे क्षमा याचना की। क्षमा याचना करते ही तो नारद मुनि कहते हैं कि हाँ, मैंने ये तुम्हें श्राप तो दिया है, लेकिन आप दोनों की जो वृक्ष योनि का जन्म है, आपको कहाँ मिलेगा, गोकुल में मिलेगा, और वहाँ पर जो भगवान कृष्ण स्वयं आपका उद्धार करेंगे। तो देखिए, मानो उन्होंने श्राप दिया भी, लेकिन जब कोई साधु होता है, कभी कोई साधु गुस्सा करता है, जैसे इवन कहते हैं कोई गुरु यदि गुस्सा कर रहा है, कोई भी बात उसने बोली और सामने वाला उनसे माफ़ी मांगता है, तो गुरु की पहचान ये भी है कि वो उसी टाइम पर उनको माफ़ कर देता है, ये उनकी पहचान है। यदि माफ नहीं कर रहा है तो भी वो कोई अच्छा साधु नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों को जब उन्होंने, नारद मुनि ने श्राप दिया और वो वृक्ष योनि में चले गए। अब यहाँ पर सत्व्रत मुनि क्या बता रहे हैं कि उन दोनों का उद्धार भी आपने कर दिया है, और वो भी किस अवस्था में किया है,
जब आप खुद बंधे हुए हैं, आपको माता यशोदा ने उखल से बांधा हुआ है। तो ये जो एक जो बंधा हुआ जीव है दूसरे को बंधे हुए को कभी नहीं खोल सकता। अपन कहते हैं ना भाई, यदि कोई मुक्त है, एक मुक्त आत्मा ही बंधे हुए को मुक्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भगवान है, तो भगवान तो ऐसे कि उनके लिए चाहे वो बंधे हुए हैं तो भी वो किसी को मुक्त करने की सोच रहे हैं, अपनी मुक्त होने की बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो कोई खोल ही नहीं सकता। इवन जब वहाँ पर वो आए बलराम जी, तो बलराम जी भी नहीं खोल पा रहे हैं। जब वो माता के पास गए, किसने बांधा है, कौन है, ये कौन बांध सकता है, आपको पता है ये कौन है, इसने बहुत सारे, ये नरसिंह जी का भी अवतार लिया है, इसने वरा अवतार लिया है, ये श्री राम है, तो वो यशोदा मैया क्या कहती है छड़ी लेकर के, कि सारे अवतार मेरे घर में ही आएंगे। तू कौन है? बोल मैं अनंत से हूँ। बोला अच्छा, है छड़ी लेकर के वो सारे अवतार मेरे घर में अभी देखती हूँ। उसने वहां से भाग लिए, जाकर के बोलते हैं कृष्ण से, भैया मेरी बत्ती नहीं है। मतलब इवन जिनको अनंत शेष भी नहीं खोल पा रहे हैं, मुक्त कर पा रहे हैं, वो भी किसी दूसरे को मुक्त कर रहे हैं। और मुक्त करने की बात कैसे सोची, कि जैसे अपन कल चर्चा कर रहे थे, भागवत में थोड़ा देख रहे थे, कि जब सब वहाँ खेलने में उसमें लग गए, स्टार्टिंग में तो वो रो रहे थे, भगवान माता यशोदा अपने काम में लग गई, धीरे धीरे उन्होंने भी रोना बंद कर दिया, क्योंकि दूसरे बच्चे वहाँ खेल रहे थे पास में, जो उनके मित्र थे उनकी तरफ देखने लग गए। पहले कहते ना, कई बार कोई बच्चा चुपचाप बैठा देख रहा है, लेकिन उनको फिर एकदम अपने भक्त की याद आई, नारद मुनि की याद आई, कि उन्होंने ये जो दो वृक्ष हैं इनको भी मुक्त करने का कुछ वादा किया है। तो भगवान तो क्या है, भक्त वत्सल है। ये सोच करके उस उखल को खींच करके लेकर के चलने लगे, और उन दोनों पेड़ों के बीच में से खुद तो निकल गए, लेकिन जैसे ही झटका दिया वो दोनों वृक्ष नीचे आ गए। फिर उसके बाद अपन कल चर्चा की थी कि दोनों में से मणि नल कुबेर और मणिग्रीव निकले, उन्होंने पहले भगवान की स्तुति की, परिक्रमा की, और भगवान ने उनसे बोला कि भाई तुम अपने जो प्रयोजन रूप है, जो आपका प्रयोजन है, उस रूप में चले जाओ और अब भगवान की भक्ति करो। ये सब चीज़ें बच्चे भी देख रहे थे। इसके बाद जो नंद बाबा आए और भी गोकुलवासी आए थे, उन्होंने भगवान को मुक्त किया है। लेकिन यहाँ पर सद्वृत मुनि कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा एक ही आग्रह है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने नल कुबेर और मणिग्रीव को मुक्त किया है, प्रयोजन रूप उनका जो प्रयोजन रूप है उसमें भेजा है, उसी तरीके से मैं भी आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मेरी तो ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ, लेकिन हाँ आप तो ऐसे हैं। जैसे कहते हैं कि एक किसकी कथा में सुन रहा था, शायद राधा गोविंद महाराज की कथा में था, कि एक सूरदास थे, मतलब आंखों से अंधे थे एक भक्त, वो डेली बिहारी जी दर्शन करने जाते थे डेली। अब जो कुछ जो लड़के थे वो एक दिन उनसे हाथ प्रयास करने लग गए कि भाई आप क्यों आते हो बिहारी जी, आपको क्या दिखता है, आप तो सूरदास हो, आप तो अंधे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो सूरदास हूँ, मुझे तो नहीं दिखता, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसलिए आता हूँ कि बिहारी जी मुझे देख ले कि मैंने हाजिरी लगा दी है, ये तो जानते हैं सब कुछ भाई, इनको तो पता है, मैं तो सिर्फ हाजिरी देने आ रहा हूँ, जब भगवान ने मुझे देख लिया तो बस। तो ये देख करके वो जो बच्चे जो लड़के थे, जब उनकी जो भीड़ बढ़ रहे थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया कि नहीं एक्चुअल में ये भक्त है। तो अब अपन, हमारी तो क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन भगवान तो मुक्त कर सकते हैं। उसी तरीके से सत्वृत मुनि यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे मुक्त कीजिए। तो किस इसी तरीके से हमको भी हर समय चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचे तरुरपि सहिष्णुः। अपन को तृण से भी ज़्यादा अपन को सहिष्णु बनाना चाहिए, वृक्ष जो होते हैं उनसे ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। इस तरीके की यदि क्वालिफिकेशन धीरे धीरे आ रही, योग्यता आ रही है, तो अपन भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रार्थना यहाँ पर सद्वृत मुनि कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जो आठवां श्लोक है अष्टकम का, यहाँ पर देखिए, आज अपन इसको थोड़ा सा, अभी थोड़ा टाइम है, अभी तो 10 मिनट, यहाँ कह रहे हैं, नमस्ते तु दामने सुर दीप्ति दामने त्वदीयोदरायात विश्वश धामने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम। कह रहे हैं कि हे दामोदर,
आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु को प्रणाम है, महान रस्सी, रज्जु मतलब रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को भी नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले आपको प्रणाम है। अब यहाँ पर फिर जब जो स्तुति की और स्तुति में सद्गुरु मुनि कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी उस छवि को हृदय में बताना चाहता हूँ जिस छवि में आपको माता यशोदा ने बांधा है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि आप अब जो रस्सी है, रस्सी और उनका जो उदर है उसको नमस्कार कर रहे हैं। भाई रस्सी को क्यों नमस्कार कर रहे हैं कि जिन भगवान का जो उदर है, जो कहते हैं ना दामोदर, उदर उदर मतलब कमर है, वो क्या है, अनंत है। न तो उसका कोई बाहर है ना कोई अंदर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान स्वयं ऐसी जो रस्सी है उसे बंध गए। अब यहाँ उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो रस्सी भी धन्य है जिससे भगवान बने। अब जो अपन कहें इस भौतिक जगत की रस्सी उसे तो बंध ही नहीं सकते, ये तो अपन पहले भी चर्चा कर रहे थे। भगवान वो सिर्फ सिर्फ कैसे बंधे यहाँ पर, माता यशोदा के प्रेम से। जो रस्सी है रस्सी से नहीं बने, एक्चुअल में जो माता यशोदा का प्रेम है उससे बने है। वो रस्सी रस्सी का काम तभी कर रही है जब माता यशोदा का प्रेम है। तो उस रस्सी को यहाँ पर उस रज्जु को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आपका जो ब्रह्म तेज और आश्रय संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। ऐसा उदर जिसका ना कोई अंत है ना कोई कोई बाहर है, कोई बाहर भी नहीं है और अंदर भी नहीं है। इवन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को के मुंह में दो बार ब्रह्मांड पहले भी देखा है। एक बार तो जब मिट्टी खाई थी तब देखा है और एक बार दो बार देखा ना, एक बार तो जब मिट्टी खाई थी और एक और मैं अभी लीला पढ़ रहा था, भगवान ने अपना मुंह खोला था, कुछ ऐसा जमाई ली थी या कुछ ऐसा आया था, उस समय भी ब्रह्मांड देखा था। लेकिन माता यशोदा उस समय भी ये नहीं कह रही कि ये कुछ ऐसा भगवान या कैसे नहीं सोचा है, उस समय भी वो सोच रही है कि हो सकता है मुझे ही कुछ गलत लग रहा है। तो और भगवान को भी हो सकता है भाई इसमें भी कोई कोई अलाई बलाई लग गई है, तो उनका इलाज कर रही है, उनको गौमूत्र से नहला रही है, तो इस तरीके की क्रियाएं कर रही है। लेकिन वो भगवान नहीं मान रही है। ऐसे भगवान का जो उदर है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन देखिए उसके बाद सद्वृत मुनि वैसे पर देखे इस पूरी लीला में अभी तक राधा रानी का नाम वैसे नहीं आया, लेकिन अब कह रहे हैं कि राधा रानी की चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। क्यों? क्योंकि जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण जो भी लीलाएं हो रही है वो राधा रानी क्या है, उनकी शक्ति है। जो भगवान की लीलाएं हैं वो बिना राधा रानी के अधूरी हैं। अभी एक श्लोक है ना उसमें चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यों ने विलासे रस आस्वादन करी। क्योंकि जो राधा और कृष्ण हैं ये एक ही चीज है, एक ही आत्मा है, लेकिन अभी अपने उसको लीला करने के लिए दोनों ने दो देह धरी हैं और दो रूप धारण किए हैं इन्होंने। क्योंकि इसका जो विलास का रस, विलास रस का आस्वादन करने के लिए, जो ये प्रेम रस है इसका आस्वादन करने के लिए भगवान की जो शक्ति है राधा रानी वो इसीलिए प्रकट हुई है, इसलिए उन्होंने प्रकट किया है कि इस विलास रस का उनको आस्वादन करना है। जैसे भगवान का जो कोई भी क्रिया है वो ऐसे नहीं है, जब भगवान की इच्छा होती है कि भाई अब मुझे कुछ किसी से युद्ध करना चाहिए तो भगवान से कोई युद्ध कर सकता है, कोई युद्ध नहीं कर सकता। इवन वैसे भगवान कहते तो हैं भगवद गीता में, परित्राणाय साधु नाम विनाश आय च दुष्कृत नाम, मैं जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए आता हूँ। लेकिन नहीं, उनको इस चीज़ के लिए आने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने भक्त को भेज करके भी दुष्टों का सहार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ भगवान किस लिए आते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए।
जो भक्तों को आनंद, जो राधा रानी है वो भगवान की शक्ति है, वो क्यों आ रही है? वो लीला करने के लिए कि अपन ऐसी लीलाओं को सुने, भगवान की जो कथाएं हैं उनको सुने और हमारा भी कुछ न कुछ भगवान के जो कथाएं हैं, भगवान का जो भी क्रिया है उनमें हमारा कुछ मन लगे, हमारा शुद्धिकरण, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं उससे अपन कुछ निकल सके। तो इसीलिए यहाँ पर सतव्रत मुनि राधा रानी को नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनंत लीला विलास करने वाले भगवान। अब भगवान की जो लीलाएं, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ वैसे देखें तो सतव्रत मुनि सिर्फ दो लीलाओं को याद किया है, क्योंकि अपन वैसे श्लोक में देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने याद की थी कौन सी, उकल बंधन लीला स्टार्टिंग में, और फिर बाद में नल कुबेर और मणिग्रीव की लीला। लेकिन वो भगवान कैसे हैं? अनंत लीला विलास, जिनकी लीलाएं अनंत हैं। ऐसा नहीं है अपन जो लीलाएं सुनते हैं वो कह रहे हैं कि अनंत लीलाएं, इवन अनंत शेष भी उनकी लीलाओं का गान कर रहे हैं तो भी उनकी लीलाएं खत्म नहीं हो रही है। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ रहा था, जैसे यहाँ पर जो सतव्रत मुनि है वो कह रहे हैं नमो अनंत लीलाए, इसके लिए लीलाओं का अंत नहीं है। उन्होंने उन्हीं अनंत लीला भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार समझना चाहिए, किंतु श्री सनातन गोस्वामी श्री सतव्रत मुनि के अंतर्निहित उद्देश्य के प्रति दृष्टि रखकर और अपने भावानुसार उक्त बात के एक और निगूढ़ अर्थ को प्रकाश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सतव्रत मुनि कह रहे हैं ना कि अनंत लीलाएं, उसका जो रूप सनातन गोस्वामी है इसका एक और अर्थ बता रहे हैं। वो कैसा है? निगूढ़, मतलब बहुत गहन उसमें है अर्थ है। वो कह रहे हैं अनंत शब्द से जिसका अंत नहीं है अथवा शेष नहीं है, अनंत का तो मीनिंग ये है, अर्थात जिनकी लीला नित्य अशेष और असंख्य आदि है, अनित्य लीला है, वो सब नित्य लीला है, हर समय लीलाएं भगवान की अभी भी लीलाएं चल रही हैं। और लील शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, जो लील है अनंत लीला बोलते हैं, लील का यह बताया ली और ला, दो शब्द बताएं ली और ला। ली शब्द का अर्थ बताया आलिंगन करना, ग्रहण करना, और ला शब्द का अर्थ आलिंगन ग्रहण करना और ला शब्द का अर्थ ग्रहण करना है। इसलिए लील शब्द के द्वारा गोपियों का आलिंगन ग्रहण करना सूचित होता है। अनंत लीला, जैसे अनंत लीला है तो सनातन गोस्वामी इसका अर्थ कर रहे हैं, सतव्रत मुनि उसके लिए बता रहे हैं कि ये जो लील शब्द का अर्थ है इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ मीनिंग वो कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण गोपियों का आलिंगन करते हैं उन कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, उस लीला को याद कर रहे हैं, उन राधा रानी को, जो गोपियों में श्रेष्ठ है वो कौन है? राधा रानी है। कह रहे हैं फिर उसके बाद, इसलिए लील शब्द के द्वारा गोपियों का आलिंगन ग्रहण करना सूचित होता है जिससे उस रात कीड़ा आदि लीला को नमस्कार समझना चाहिए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने अनंत लीलाएं कहने से टीका में गोकुल विषय का सर्वापी लीलोदिष्टा तस्ते च नमः इति भाव लिखकर अपनी सार्थकता दिखलाई है, कि उनका जो भाव है वो इसी उसमें है कि भगवान की जो लीला है वो गोपियों के साथ, वो अलंकार गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर राधा रानी को नमस्कार कर रहे हैं कि नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, जिन भगवान को राधा रानी प्रिय है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये अपन थोड़ा सा यहाँ पर, और ये कह रहे हैं ना सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, तो एक जो अपन भक्ति की बात करें तो भक्ति में थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरीके से सोचना चाहिए, भगवान की जो लीलाएं उनका चिंतन करना चाहिए जितना, और चिंतन ऐसे नहीं होगा, वो चिंतन कैसे हो सकता है? जब उन भक्तों का संग करें, भक्तों से श्रवण करें, कुछ अपन पढ़ें, चैंटिंग करें, जैसे जैसे अपन हरिनाम करेंगे चैंटिंग करेंगे तो अपने अंदर की जो गंदगी है वो साफ होगी, तो फिर हो सकता है कुछ, कहते हैं ना कि जो भगवान की लीला है उसका यदि एक कण भी एक छींटा भी यदि अपने ऊपर आ जाता है तो भी अपना जीवन सफल हो सकता है। तो इसीलिए जैसे अभी हम उसमें गए थे ब्रजमंडल चौरासी कोस में,
तो संजय प्रभु वो कथा सुना रहे थे कि ब्रजमंडल कथा जो ब्रजमंडल परिक्रमा है वो क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों आते हैं, कि ब्रजमंडल की जब परिक्रमा करेंगे साधु संघों के साथ, साधु संतों के साथ में उनसे कथा सुनेंगे, तो जो उस कथा का महत्व है, जो भगवान की लीला है, उनका यदि एक कण, एक छींटा, यदि एक कण के बराबर वो लोभ यदि हम अपने प्रति लेकर के जाएं कि भगवान ने ऐसी लीलाएं की हैं, वो लोभ में, उस लीलाओं में हम भी प्रवेश करें, ऐसा लोभ, कहते ना लोभ ही होना चाहिए, लेकिन लोभ किस चीज़ का होना चाहिए, कि ऐसा लोभ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं कि मैं भी उन लीलाओं में कुछ भगवान की सेवा कर सकूं, ऐसा लोभ यदि कोई लेकर के यहाँ से कोई भी एक कड़वी लेकर के जाए तो उसका ब्रजमंडल की परिक्रमा करना सार्थक है। तो हम भी यहाँ पर जो प्रतिदिन या प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्तों का भाई असंग हो जाएगा इस माने, तो वो यही कोशिश है कि कार्तिक का महीना है, वैसे भी कहते हैं कि कार्तिक में भगवान का नाम जो भी भक्ति है उसका 1000 गुना फल होता है, तो एक बार कथा सुन ली तो 1000 दिन के बराबर वैसी हो गई हो, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी हम ये भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, और आप जैसे भक्तों का संग है तो वो प्रयास चल रहा है। तो इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब जो ब्रजमंडल की जो कथा चल रही है उसको अब आगे अखिलेश्वरी दासी जी आपको श्रवण कराएंगे। हरे कृष्णा। अंजना श्लाघ्या चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य दीक्षा गुरु एचएस शीला भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शीला एसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर सुंदर गोपाल प्रभु जी और शिक्षा गुरु विजय हरिदास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि नल कुबेर और मणिग्रीव, इनको प्रयोजन क्या मिला, प्रयोजन रूपी क्या मिला, भक्ति। प्रयोजन का मीनिंग क्या होता है, थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा किया, बहुत इम्पोर्टेंट है वो डिसाइड करना। प्रयोजन का मीनिंग एम, एम प्रयोजन का मीनिंग है एम। तो यहाँ पे जो उनको भक्ति, कृष्ण भक्ति जो मिली, हमारा भी एम वही है कि हमें भक्ति मिले। तो तीन चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, संबंध, अभिनय और प्रयोजन। तो यहाँ पे हमें संबंध भगवान के साथ स्थापित करना है। यशोदा माँ का संबंध है, सखाओं का संबंध है, गोपियों का संबंध है, भक्तों ने संबंध बनाया, तो हमारा संबंध तो क्या है, नित्य कृष्णदास संबंध स्थापित करना है। फिर उसका प्रयोजन कृष्ण भक्ति, और फिर उसके बीच में क्या आएगा, अभिधेय। अभिधेय मीन्स द प्रोसेस। तो प्रोसेस हमें कौन देगा, जिसको कृष्ण भक्ति मिल चुकी है, जिसको कृष्ण प्रेम मिल चुका है, आचार्य हैं, गुरुवर्ग हैं, जिनके पास ये कृष्ण प्रेम है वही हमें ये प्रेम दे सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें। अब यहाँ पे दामोदर लीला में यशोदा मैया ने छड़ी उठाई है, अब भगवान को डांट रही है, एक और लीला में भगवान को डांट रही है, वो छड़ी उठाई है, वो भगवान ने जब माटी खाई थी तब भी यशोदा माँ ने छड़ी उठाई, भगवान को डांट लगाई। तो उसमें क्या था कि जब ये क्रीड़ा विलास करते थे भगवान गोप के, अपने सखाओं के साथ जब क्रीड़ा विलास होता था, तो उसमें वो ऐसे डिसाइड करते थे, दो टीम होती थी, एक भगवान कृष्ण की और एक बलराम जी की, और क्या डिसाइड करते थे कि जो हारेगा उस टीम के जो मेंबर है उनको घोड़ा बनना पड़ेगा, और जो जीतेगा उसको जो इसमें जीत रहा है वो उसको सवारी कराएंगे, जो घोड़ा बने हैं वो जीतने वाली टीम को सवारी कराएंगे। तो एक बार भगवान की टीम हार गई, तो भगवान की टीम हार गई तो अब सबने बोला कि अब भगवान के साइड वाले सारे तो घोड़ा बन गए, लेकिन भगवान ने बोला मैं क्यों बनूँ, मैं तो राजा का पुत्र हूँ। तो सखाओं का संबंध है ना भगवान से, इतना गहरा संबंध है, कहते हैं ब्रज में गाली है ना सारे कि तू राजा होगा अपने घर का, यहाँ पे हमारे साथ खेलना है तो घोड़ा बनना पड़ेगा, नहीं तो हम तुझे नहीं खिलाएंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है मत खिलाओ। अब भगवान अपने अलग बैठे हैं और वो सब खेल रहे हैं, भगवान दूर से देख रहे हैं, अब कितनी देर अकेले खेलेंगे, थोड़ी देर तक तो वो मिट्टी से घर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनको फिर लगा कि नहीं मुझे सखाओं के साथ खेलना है, तो सखाओं के पास जाके मिन्नतें करते हैं कि नहीं मुझे भी अपने साथ खिला लो। तो अभी सखाओं ने मना कर दिया कि अभी हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, क्योंकि तुम अभी भगवान वापस से वो लगे हुए हैं अपने उसमें, और जब मिट्टी मिट्टी में खेल रहे तो थोड़ा सा मिट्टी उन्होंने अपने मुंह में डाल दिया,
मुंह में मिट्टी डाल दिया तो सामने से सबने देख लिया, अब आए सब और उसकी बलराम जी डांट रहे हैं कि मिट्टी खाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा, तो मना कर रहे हैं उनको कि नहीं खाओ, वो नहीं मान रहे हैं कि तुम्हें क्या, तुम नहीं खिला रहे ना अपने साथ, तुम जाओ अपना काम करो मुझे मेरा काम करने तो उसके बाद बलराम जी कहते हैं ठीक है मैं मैया को बोल के आता हूँ, हाँ हाँ जाओ जिसको बोलना उसको बोल दो। अब बलराम जी गए और यशोदा माँ को बुला के लाए, यशोदा माँ ने, यशोदा माँ को गुस्सा आ गया देख के कि मिट्टी खा रहे हैं। अब जैसे यशोदा माँ को आते हुए देखा तो मुंह में मिट्टी तो भरी हुई है, जल्दी जल्दी अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं उस मिट्टी को, अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, माँ ने पूछा मिट्टी खाई है, मुँह कैसे खोले, तो मुँह ऐसे ही मना कर रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो माँ ने जब बोला कि ना ये सब लोग से झूठ बोल रहे हैं कि हाँ ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो माँ ने बोला चल ये तो झूठ बोल रहे हैं मानती हूँ, पर तेरा जो जो बड़ा भाई है बलराम ये भी झूठ बोल रहा है क्या, कि माँ ये तो सदा से झूठा है, ये तो कोई कसर नहीं छोड़ता मुझे परेशान करने का, हमेशा मुझे परेशान करता है, और तुझे क्या पता है ये तो परेशान करता ही है, साथ में जो गोपियाँ हैं ना उनको भी सिखा देता है, वो मुझे परेशान करती हैं। अब यहाँ भगवान कोशिश कर रहे हैं माँ का ध्यान डाइवर्ट करने की, तो बोल रहे हैं गोपियाँ पता है मुझे क्या कहती हैं कि ना तू नंद बाबा यशोदा का पुत्र नहीं है क्योंकि तू काला है, तो और वो मुझे चिढ़ाती हैं, वो मुझे क्या बोलती हैं, तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। अब भगवान बोल रहे हैं, भगवान इसमें क्या क्या अपने वो देते हैं ऑप्शन, मैंने काली रात को जन्म दिया, मैंने काली रात को जन्म दिया और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, मेरी कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तो भगवान ऐसे चालाकी से माँ का ध्यान है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ तो पकड़ लेती है, फिर वो लीला अपन को पता है सबको, मुंह खोलते हैं भगवान, ब्रह्मांड दिखाते हैं उसमें, तो इस तरह से भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। अभी हम ब्रज की कथा करेंगे, तो ब्रज की रानी कौन है, तो राधा नाम स्मरण कर लेते हैं, राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो जन्म जन्म अंगना में आओ मेरे माखन
बरसाना से चर्चा हम कर रहे थे, तो बरसाना में ही, बरसाना से हम जब नंदगांव जाते हैं तो हमने कल सुना था संकेत गांव, एक क्या है संकेत गांव, और संकेत गांव के उधर पास में ही है एक विवल कुंड। विवल कुंड में यहाँ पे भगवान की लीला हुई है कि भगवान किस तरह से राधा रानी के प्रेम में विवल हुए हैं। तो यहाँ पे एक बार कृष्ण और सुबल, सुबल उनके जो मित्र थे, वो यहाँ पे खेल रहे हैं, दोनों क्रीड़ा विलास कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रीड़ा विलास करते करते भगवान सुनते हैं कि जो सारी है, राधा रानी की जो सारी है, वो वहाँ पे राधा रानी का गुणगान करती है, राधा रानी का गुणों का गान करती है वहाँ पे। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधा। तो जब वो गुणगान करती है, तो भगवान जब राधा रानी का गुणगान सुनते हैं, तो गुणगान सुनते सुनते वो उसमें विवल, राधा रानी की स्मृति में विवल होने लगते हैं वो, और उनको धीरे धीरे वो स्फूर्ति होने लगती है लीलाओं की, उनके अंदर वो आवेश आने लगता है, और वो इतना विभल हो जाते हैं कि अश्रुपात होता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाते वहाँ। तो जब सुबल जब ये देखते हैं कि भगवान कैसे भी करके मैं उनको शांति नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो सोचते हैं अब जब तक ये राधा रानी से नहीं मिलेंगे तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। तो विभल होकर जब वहाँ पे जो अश्रुपात करते हैं वहाँ पे, उससे क्या कुंड बना है, विभल कुंड बना है। राधा रानी अब सुबल जाते हैं, देखते हैं राधा रानी सखियों के साथ जा रही है, तो राधा रानी को जाके बताते हैं। फिर यहाँ पे राधा रानी मिलने आती है उनसे, और यहाँ पे फिर युगल का मिलन होता है। तो ये घटना हुई है यहाँ पे विभल कुंड पर। और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्थान हैं, वो सब तो हमने लिए नहीं। उसके बाद एक जगह है मेहरान गाँव। मेहरान गाँव में जो नंद बाबा के ज्येष्ठ भ्राता थे, चार भाई थे ना नंद बाबा, नंद, सुनंद, अभिनंद और उपनंद, उपनंद, ये चार थे। तो इनके जो सेकंड नंबर के थे अभिनंद, इनका गांव है मेहरान गांव। मेहरान गांव जो है अभिनंदन गोप का गांव है। तो भगवान के चाचा हुए। तो एक बार यशोदा माँ भगवान को लेके इनके घर पे जाती है, तो वहाँ रुकती है वो। अब सांझ में जब भोजन सब प्रसादम सब हो जाता है, उसके बाद माता भगवान को लेके सोने जाती है। अब पलंग पे दोनों सो रहे हैं, भगवान जिद करते हैं कि मुझे कहानी सुननी है। अब भगवान की जिद तो ऐसी है ना, पूरी तो करनी पड़ेगी नटखट। तो भगवान जिद करते हैं बार बार, तो माँ उनको कथा सुनाती है। कथा किसकी सुनाती है, भगवान राम की कथा सुनाती है कि एक बार दशरथ थे, उनके चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और जब बड़े हुए वो, तो ऐसे विश्वामित्र जी के साथ गए, शादी हुई चारों की, वापस आए तो उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उसी टाइम उनको वनवास मिल गया। अब वो वन में गए सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ। और वन में फिर एक बार ऐसा हुआ कि रावण आया और सीता जी को ले गया। अब भगवान ने जैसे ही सुना ये कि रावण आया, उनके अंदर वो अपना पूर्व जो अवतार है उसका आवेश हो गया, और वो चिल्लाए कि शत्रुघ्न मेरा धनुष, वो लक्ष्मण मेरा धनुष का है, मेरा धनुष लेके आओ। और बार बार चिल्ला रहे हैं मेरा धनुष का है, मेरा धनुष लेके आओ। और इतना उसमें वो आवेश हो गए कि पलंग से कूद गए। तो एकदम से माँ डर गई देख के कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो घटना है ये यहीं पर हुई है मेहरान गाँव में। तो और इसके बाद है एक स्थान श्रृंगारवट। श्रृंगारवट में
जो भगवान है भगवान का श्रृंगार करते हैं उनके सखा। माता भगवान का श्रृंगार कैसे करती है? आभूषणों, कौन से आभूषण? स्वर्ण आभूषणों से, मणि आए उसमें, पद्म राग मणि है। तभी तो जब वो कहते हैं ना, गोपियां कहती हैं कि हम तो माखन को छुपा देते हैं अंधेरे कमरे में, लेकिन ये देख लेता है क्योंकि तुम इसे पद्म राग मणि जो पहनाती हो उसके उसका इतना उजाला होता है उससे। तो माता तो ऐसे श्रृंगार करती है, लेकिन जो सखा है वो क्या करते हैं, जैसे आते हैं वन में क्या करेंगे, उनका वो सारा श्रृंगार उतार के तो एक तरफ रख देंगे और फूलों के आभूषण बना के फिर फूलों के आभूषणों से भगवान का श्रृंगार करेंगे। हाँ, फूलों के आभूषणों से ये भगवान का पूरा श्रृंगार करेंगे यहाँ पे ना। तो भगवान का ये 16 श्रृंगार यहाँ पे करते हैं श्रृंगार भट्ट में। और भगवान जो है यहाँ पे राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उनके केस संवारना, उनका पूरा जो 16 श्रृंगार है वो राधा रानी का यहाँ पे करते हैं। तो ये श्रृंगार भट्ट में ये होता है। फिर एक और गाँव है हरिओन ग्राम, इसका नाम पीपरवाट भी है। यहाँ पे राधा रानी ने भगवान के साथ पासा क्रीड़ा, ये भी क्रीड़ा स्थल है, मतलब एक ही जगह तो खेलेंगे नहीं भगवान, अलग अलग जगह खेलेंगे। तो अपन इतने दिनों से देख रहे हैं कि कितने कई अलग अलग बिलासगढ़ वो भी क्रीड़ा स्थल, अलग अलग क्रीड़ा स्थल अपन देख रहे हैं। तो ये भी जो हरिओन गांव है ये भी क्या है, क्रीड़ा स्थल है। एक बार राधा जी, यहाँ का कथा है, एक बार राधा जी और राधा जी सोचती हैं कि वैसे तो हम कृष्ण जो है शक्ति में तो हमसे ज़्यादा है, तो सखियों को बोलती हैं कि शक्ति में तो वो हमसे ज़्यादा है, तो उसने तो वो हमको हरा देता है, तो हमें कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा कुछ क्रीड़ा हम निकालें जिससे हम उसको उसमें पराजित कर दें। इस समय सबसे ज़्यादा तेज कौन है? ललिता जी, ललिता जी हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें उनका माइंड है। तो वो वहाँ पे कहती हैं कि ठीक है तुम उनको पासा क्रीड़ा के लिए बुलाओ, पासा क्रीड़ा खेलते हैं उससे, हाँ तो पासा क्रीड़ा के लिए हम उन्हें बुलाते हैं और उसमें हम उनको हराएंगे। तो सब मान जाती हैं सखिया कि हाँ ठीक है ऐसा करते हैं। अब वो जाके कृष्ण को वहाँ पे निमंत्रण देते हैं कि आपको हम पासा क्रीड़ा के लिए निमंत्रण मिला है, आप आओ और हम पासा क्रीड़ा खेलेंगे। ठीक है, भगवान आते हैं अपने सखाओं के साथ। अब भगवान तो बड़ी अकड़ में बैठे हैं कि हमेशा मैं जीतता हूँ, मैं जीत जाऊँगा, लेकिन अब यहाँ पे जब पासा क्रीड़ा चल रहा है तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है वहाँ पे भगवान, अब उससे पहले डिसाइड होता है अगर भगवान हार गए तो अपनी बांसुरी राधा रानी को दे देंगे। अब धीरे धीरे भगवान जो है ना इसमें हारने लगते हैं, अब हार जाते हैं इसमें तो राधा रानी उनकी बांसुरी ले लेती है। अब बांसुरी ले लेती है तो मधुमंगल जो है वो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मधुमंगल चढ़ाते हैं उनको कि अभी तो तूने अपनी केवल बांसुरी दी है, अपना सारा कुछ दे देना इनको धीरे धीरे करके ना, खुद जानबूझ के हार गया ऐसे करके भगवान उनको बड़ी मुश्किल से शांत कराते हैं। ऐसे जब वो भगवान ने कंस का वध किया था, जब वो युद्ध हुआ था मल्ल युद्ध, उसके बाद भी भगवान ने बोला था ना युद्ध के बाद जब उनको हरा दिया था, वो कौन थे वो, हाँ वो जो थे योद्धा चारुर मुष्टिक को हरा दिया था, उसके बाद भगवान ने बोला था कोई और है क्या युद्ध के लिए यहाँ पे, तो आ गए सामने। तो मधुमंगल और वो बैठे थे नंद बाबा सब सखा बैठे थे ना, तो मधुमंगल उनको कहता है कितनी बार हरा है तुझे, कितनी बार पटकनी पी दी है तुझे, मैं आता हूँ अभी। नंद बाबा बोलते हैं बैठ जाओ कि नहीं देखो जबरदस्ती भी डींग हाँक रहा है, ये क्या छोटे मोटे उनसे लड़ रहा है, मुझसे लड़ के देखे तो मैं बताऊँ। तो इस तरह से मधुमंगल बड़े एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। अब भगवान यहाँ पे उनको शांत करके बिठाते हैं। अब लेकिन भगवान को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय है, तो भगवान राधा जी से मांगते हैं, राधे श्री वृष भानु दुलारी प्यारी बंसी दी जो मोहे, राधे श्री वृष भानु दुलारी प्यारी बंसी दी जो मोहे, राधे श्री वृष भानु दुलारी प्यारी बंसी दी जो मोहे, यावन से बिन चैन न पाऊं, यावन से बिन चैन न पाऊं, बंसी बिन कैसे गाय चराऊं, शुभ ब्रह्मासन का दिक जागो पार न पावे कोई, हाँ शुभ ब्रह्मासन का दिक जागो पार न पावे कोई, राधे श्री वृष भानु दुलारी
बंसी श्याम तुम्हारी, कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नैक ना नैन निहारी, हमने नैक ना नैन निहारी, तुम छलिया हम भोरी भारी, झूठो दोष लगावे काला मन में कोई चोर, झूठो दोष लगावे काला मन में कोई चोर, राधे देश दान दुलारी प्यारी बंसी दी जो मोरी। तो इन सब स्थानों पे भगवान की बहुत अच्छी लीला हुई है, बहुत प्यारी लीला हुई है, और इन लीलाओं का स्मरण करने का जैसे अभी बता रहे थे क्या है इनका ये उद्देश्य है कि कैसे भी हमें लोलियम हो, लोलियम मतलब हमारे अंदर वो लालच उत्पन्न हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण करें, और कथा श्रवण क्योंकि कथा क्या है, कथा अमृत है, ये और कोई साधन नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि मृणेन्तम श्रवण मंगलम श्रीमदाथतम भुवि ग्रंथि ते भूरिदा जना। जो कथा है वो गोपियां क्या कह रही हैं, भगवान ने बोला कि जब तुम मुझे इतना प्रेम करती हो तो मेरे बिरह में मर क्यों नहीं गई, तो गोपियों ने क्या बोला, आपकी कथा में जला के रखी है, क्योंकि कथा क्या है, अमृत के समान है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, त्रिताप से दग्ध जो जीव है उसको शांति कौन दे सकती है, केवल भगवान की कथाएं। तो भगवान की लीला स्थली में जाके भगवान की कथाओं की स्फूर्ति होती है, और कथा के मतलब सिर्फ कथा सुनने का इतना एक अमृत के समान है। आप जो क्लेश हैं इसके कलयुग के जो क्लेश हैं उनको हरण करने वाली है। बड़े बड़े कवियों ने इनको गाया है, कवि जैसे सुखदेव जी हैं, ये व्यास जी हैं, तो ये बड़े बड़े कवियों ने इन कथाओं को गाया है। ऐसी तो गाया नहीं ना, ऐसी तो बैठे नहीं है उनके पास, ऐसा अपने फ्री टाइम है, क्यों गाया है, जिससे कि हम उनको श्रवण करें और कलियुग के जीव का उद्धार हो। फिर क्या है, श्री मदाततम, श्री प्रदान करने वाली है, श्री के बहुत सारे अर्थ हैं, सौभाग्य लक्ष्मी, तो ये कथा श्रवण करने से ये सब भी अपने आप आएगा। और साथ में क्या है, इसका जो दान है, कथा हम जब श्रवण करते हैं और जब इसका दान करते हैं तो सबसे बड़ा दान जो है वो कथा का दान है। भूवि गृहंती ते भूरिदा जना, तो इसीलिए हम इन स्थलियों का स्मरण करें और इनसे हम यही मांगे, क्योंकि चिन्मय स्थली है, आज भी वहाँ पे सारी लीलाएं हो रही हैं, नित्य लीलाएं हैं, यही मांगे कि कैसे भी हमारा जो प्रयोजन है श्री कृष्ण चरण में प्रेम, श्री राधा चरण में प्रेम, वो हमें प्राप्त हो। हरि बोल।